वेलकम टू आर फॉर यू चैनल। द लॉर्ड ऑफ द रिंग, द रिंग ऑफ द पावर के पूरे पहले के 7 एपिसोड के चलते हम सभी सोच रहे थे कि शॉरॉन कौन है और वह पूरे टाइम कहाँ था, क्योंकि ग्लैडरियल और दूसरे एल्व भी उसका ठिकाना जान नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारे क्लू मिले थे जो शॉरॉन के रियल आइडेंटिटी को दिखा रहे थे, क्योंकि वो हमेशा से पूरे टाइम सबके बीच में ही था। द रिंग ऑफ द पावर की सीरीज के फिनाले ने आखिरकार हमें ये शो कर ही दिया है कि शो आखिर कहाँ जा रहा है और रियल में शॉरॉन कौन है, क्योंकि शक हमें शुरू से दो लोगों पर ही था, स्ट्रेंजर और हैलब्रैंड। बेशक एपिसोड की स्टार्टिंग में कई लोगों को मिसलीड भी हुआ था, लेकिन एंड में आते आते मुझे हैलब्रैंड पे ही ज्यादा शक हुआ था। इसी रिलेशन में द लॉर्ड ऑफ द रिंग ऑफ द पावर के फाइनल एपिसोड को समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने रिंग ऑफ पावर की सीजन 1 को नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल पर जरूर चेकआउट करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ ही प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग ऑफ द पावर के सीजन 1 के फिनाले एपिसोड स्टार्ट होता है स्ट्रेंजर के एक सीन के साथ, जहां वो ग्रीनवुड के जंगलों में भटक रहा था, जिसे लॉर्ड ऑफ द रिंग में मिर्कवुड भी कहा गया है। वह भटकते हुए मिस्टिक वुमन से मिलता है। ये वही है जो स्ट्रेंजर का पीछा काफी समय से कर रही थी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रेंजर से लड़ने आई हैं, पर एंड में उसे अपना मास्टर रिफर करते हुए वो स्ट्रेंजर को सर्व करना चाहती थी, क्योंकि वो स्ट्रेंजर को शॉरॉन बुलाती हैं। उनका स्ट्रेंजर को शॉरॉन सोचना एक तरह से ठीक भी था, क्योंकि आपको मिट्योर के रूप में मिडिल अर्थ पर गिरते हुए मेयर नहीं मिलते हैं। और फैक्ट ये भी है कि स्ट्रेंजर ने फायर की कमांड भी दी थी, जैसे शॉरॉन के पास भी फायर की कमांड थी, जिससे उन्हें श्योर हो गया था कि वही रियल में डार्क लॉर्ड है और वो उसी को सर्व करने आए हैं। वैसे तो ये एपिसोड एक बड़े रिवील के साथ खुलता है कि स्ट्रेंजर ही शॉरॉन है, लेकिन यहाँ हम लोग जानते हैं कि सीरीज कैसे काम करती है। अफकोर्स ये बहुत जल्दीबाजी होगी अगर हम ये सोचें कि स्ट्रेंजर ही शॉरॉन है, और साथ ही ब्रैंडी न्यूरीफुट को यहाँ पूरा विश्वास है कि उसका फ्रेंड अच्छा है। ड्वेलर्स और उसके साथी स्ट्रेंजर को ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह कौन था, क्योंकि उनको पूरा बिलीव था कि वो शॉरॉन ही है। उनका मानना है कि वह केवल यह भूल गया है कि वो कौन था, क्योंकि पर्दे ने उसके दिमाग को अभी तक ढका हुआ है जब से वो मिडिल अर्थ पर भेजा गया है। यह मिस्टिक्स अपने आप को लैंड ऑफ रून से बताती हैं, साथ ही स्ट्रेंजर को कंट्रोल करने की कोशिश भी करती हैं, जिसमें वो फोर्स का यूज भी कर रही होती हैं। लेकिन न्यूर स्ट्रेंजर को बचाने की कोशिश करती है और वो ड्वेलर को डिसार्म करने में भी कामयाब होती है। पर यहाँ वो तीनों लेडीज बहुत स्ट्रांग है हारफुट के लिए, जिसमें ऑल्ड सेडॉक को भी गहरी चोट लग जाती है। नूरी स्ट्रेंजर पर बिलीव करती है और वो जानती है कि स्ट्रेंजर उनकी हेल्प के लिए यहाँ आया हुआ है। साथ ही उसका ये भी मानना है कि जो ड्वेलर्स बोल रहे हैं और जो वो उसे समझ रहे हैं, स्ट्रेंजर वो नहीं है। स्ट्रेंजर सब ड्वेलर्स का मैजिकल स्टफ यूज करके उनका रियल फॉर्म सामने लेकर आता है, और यहाँ से ये क्लियर है कि ये तीनों लेडीज घोस्ट टाइप इमेजेस हैं जो ह्यूमन फॉर्म में खुद को छुपा रही हैं। स्ट्रेंजर अपनी पावर का यूज करके उन्हें उन्हीं की शेडोज की दुनिया में वापस भेज देता है। यहाँ वो ड्वेलर्स हारने से पहले वो ये रिवील करती है कि स्ट्रेंजर शॉरॉन नहीं है, बल्कि वो दूसरा फॉर्म है और वो इस्तारी है। यहाँ ये तो क्लियर हो गया है कि उन तीनों से यहाँ मिस्टेक हुई थी स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी को लेकर। आगे एपिसोड में स्ट्रेंजर हारफुट्स के कैंप में वापस आता है नूरी और उसके साथियों के साथ, जहाँ सेडॉक अभी नहीं रहे हैं। स्ट्रेंजर अब डिसाइड करता है कि वो रुन जाएगा ताकि वो अपने और अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सके। जब नूरी अपनी फ्रेंड्स को बाय कह रही होती है तो उसकी फैमिली उसे बोलती है कि वो स्ट्रेंजर के साथ पूरी दुनिया देख सकती है, और यहाँ हम जान जाते हैं कि नूरी का एक बड़ा रोल होने वाला है आगे आने वाले सीजनों में। अब नूरी और स्ट्रेंजर अपने एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ वो आगे पता लगाने जा रहे हैं कि इस्तारी आखिर कौन है। अब बात करते हैं ग्लैडरियल की, जो फाइनली एरेगन पहुंच चुकी है हैलब्रैंड के साथ अपने 6 दिन के लंबे सफर में। एरेगन में कैलिब्रम बोर और एलरॉन्ड ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो अपनी प्रजाति को कैसे बचा सकते हैं, जब उन्हें ड्रॉफ्स ने मिथ्रल देने से मना कर दिया है। यहाँ हैलब्रैंड की हालत देखकर उसको ठीक होने के लिए भेज दिया जाता है। कैलिब्रम्बोर ने एलरॉन को बोला था कि उन्हें आइडिया है कि वो कैसे मिथ्रल की उस छोटे पीस का एडवांटेज ले सकते हैं, पर वो अनश्योर हैं अभी कि एल्फ्स की रेस को वो कैसे बचाएंगे। और तभी हैलब्रैंड आता है, जो स्टन है वो वर्कशॉप और खुद कैलिब्रम्बोर को देखकर। कैलिब्रम्बोर अब तक के सबसे अच्छे क्राफ्टमैन है हिस्ट्री के। वहाँ डेस्क में मिथ्रल का पीस देखकर हैलब्रैंड अपना सोल्यूशन प्रपोज करता है। वो बोलता है कि वो मिथ्रल को दूसरे धातु के साथ मिक्स कर सकते हैं उसकी पावर्स को बढ़ाने के लिए, पर इसमें मिथ्रल की पावर और प्योरिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और यहाँ हैलब्रैंड कैलिब्रम्बोर को अपने दिए गए सजेशन को एज अ गिफ्ट बोलता है। आगे कैलिब्रम्बोर ही सजेस्ट करते हैं अपने किंग गिलगलैड को, जहां उन्हें पता है कि एल्व्स के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है मिडिल अर्थ में रहने के लिए। कैलिब्रम्बोर यहां किंग को बोलते हैं कि वो मिथ्रल का यूज कर सकते हैं एक सर्कुलर यानी गोलाकार ऑब्जेक्ट जैसे क्राउन बनाने के लिए।
जो कि अपने पावर्स किंग की सोल से जोड़ देगा और वो अनदेखी दुनिया की ताकत को हासिल भी कर पाएंगे। यहाँ किंग उनकी सजेशन को रिजेक्ट कर देते हैं एज उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है ऐसा कुछ बनाने का, पर एलरॉन किसी तरह किंग को कन्विंस कर देता है और वो 3 महीने का टाइम मांगता है। किंग के जाने के बाद ग्लैडरियल को कैलिम्ब्रम्बोर की अनदेखी दुनिया की पावर्स के वर्ड्स में डाउट होता है, क्योंकि ये शब्द उसने एडार से सुने थे जब वो बताता है कि शौरन किस चीज की चाहत में है। हैलब्रेन की हेल्प से एल्फ्स एक तरीका निकालते हैं मिथ्रिल और दूसरे धातु को एक दूसरे के साथ जोड़ने में, जो होपफुली एम्प्लीफाई करेगा मिथ्रिल की पावर और एल्फ्स की लाइट को दोबारा जगाने पर। पर इन सब में ग्लैडरियल को हैलब्रेन में डाउट होता है और वो तुरंत ही हैलब्रेन की आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि साउथलैंड के किंग की लाइन तो 1000 साल पहले ही खत्म हो गई थी। ग्लैडरियल हैलब्रेन को कन्फ्रंट करती है, जहां वो क्लियर करता है कि वो ही शौरन है। अपनी पावर्स का यूज कर शौरन ग्लैडरियल के माइंड में जाता है और उसे वो कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसकी क्वीन बन जाए और वो दोनों मिलकर सारी दुनिया को हील करेंगे। यहाँ ग्लैडरियल को पता है कि शौरन दुनिया को हील नहीं, उसको रूल करना चाहता है। टॉकिंग्स की लाइन में ऐसा भी मेंशन किया गया है कि शौरन हमेशा से पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता था। ग्लैडरियल शौरन का ऑफर रिजेक्ट कर देती है और एलरॉन उसे पॉन्ड से बाहर निकालता है। यहाँ हैलब्रेन कहीं नहीं दिखता, मतलब अब वो एरेगन छोड़कर चला गया है जैसे ही उसकी सच्चाई बाहर आई। ग्लैडरियल और एलरॉन कैलिम्ब्रम्बोर के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि उन्होंने 2 रिंग्स बनाने का फैसला किया है, पर ग्लैडरियल उन्हें 3 रिंग्स बनाने का सजेशन देती है, क्योंकि 3 रिंग्स बैलेंस लेकर आएगी और 2 रिंग्स तबाही मचाएगी। इसके लिए ग्लैडरियल को अपने भाई फिनरॉड का डैगर सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि रिंग बनाने के लिए उन्हें वैलिनोर के प्योर गोल्ड और सिल्वर की जरूरत थी और अब वो उन्हें उसी डैगर से मिल सकता है। डैगर को पिघलाकर उसमें मिथ्रिल मिक्स किया जाता है, जिससे बनती है 11 रिंग ऑफ पावर, जो कि एल्फ्स की सिवाय और कोई नहीं पहन सकता ग्लैडरियल के हिसाब से। ये रिंग्स को पहनने का अधिकार सिर्फ एल्फ्स को ही है, जो दुनिया में रोशनी और समृद्धि लेके आएंगे। रिंग बनाने के बाद एलरॉन पॉन की तरफ जाता है और उसे वहां पर स्क्रॉल मिलता है, जिसमें साउथलैंड के किंग की इन्फॉर्मेशन होती है। यहां उसे रियलाइज होता है कि हैलब्रेन वो नहीं है जो वो वहां पर जता रहा था, और यहां एलरॉन और ग्लैडरियल अपने लुक्स को एक्सचेंज करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां से लगता है कि उसे भी शक था कि हैलब्रेन शौरन है। और यही सीजन 1 एंड हो जाता है, जहां हैलब्रेन माउंट डूम को देख रहा होता है और वो मोर्डोर में वापस आ गया है, शायद जो वो चाहता था उसे यहां मिल चुका है। एलेंडिल और क्वीन मिरेल न्यूमिनोर वापस आ गए हैं, जहां उन्हें पता चला है कि न्यूमिनोर के किंग की डेथ हो चुकी है। अब यहां से मिरेल के लिए चीजें काफी डार्क होने वाली है, एस फेरेजॉन काफी उम्मीदों के साथ यहां पे खड़ा हुआ है। अब हमें वेट रहेगा नेक्स्ट सीजन का, जहां हम जान पाएंगे कि स्ट्रेंजर गैंडाल्फ है कि नहीं, हैलब्रेन जो शौरन है अब वो रिंग्स को कैसे हासिल कर पाएगा और उसका मकसद पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का पूरा होगा कि नहीं, और साथ ही क्वीन रीजन को अब क्या फेस करना होगा अपने राज्य में। कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आरव्यू चैनल के बाकी की वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक भी करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही फिक्शन और फैंटेसी सीरीज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए। थैंक यू for watching. See you next time.